हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का, छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी सर्विस लॉन्च की गई है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपने छोटे बच्चे का आधार कार्ड है जनरेट करवा सकते हैं। सो आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है और उसमें दोस्तों आपको सर्च वाले बॉक्स में जाना है और वहां पर दोस्तों आपको टाइप करना है इस तरीके से, आधार पोस्ट सर्विस, और उसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके इसे सर्च कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लिखते हैं आधार पोस्ट सर्विस, उसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करके इसे सर्च कर देना है। और जैसे दोस्तों आप आधार पोस्ट सर्विस लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने आधार कार्ड की 3 से 4 ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाती हैं। पहली वेबसाइट आपके सामने मिलेगी आधार अपडेशन सेंटर की, दूसरी मिलेगी सर्विस रिक्वेस्ट डोर स्टेप बैंकिंग की, और तीसरी मिलेगी आपको इंडिया पोस्ट सर्विस रिक्वेस्ट की। तो आपको ये जो तीसरी वेबसाइट है इंडिया पोस्ट सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर ही आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई वेबसाइट है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखकर आ जाता है सर्विस रिक्वेस्ट, और उसके नीचे दोस्तों आपको मिलेगा डिस्क्लेमर, जो कि दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे का जो नाम है वो दोस्तों इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। जो भी दोस्तों अपने बच्चे का नाम है, या फिर दोस्तों अगर आप अपने बच्चे का नहीं, आप अपना स्वयं का दोस्तों आधार कार्ड या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, या फिर कोई अदर दोस्तों कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर देना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो पिन कोड है उस पिन कोड को इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, जो भी आपका पिन कोड है। और जैसे आप अपना पिन कोड यहाँ पर फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको अपनी ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ये मोबाइल नंबर दोस्तों आपका आपके मोबाइल में एक्टिवेट होना चाहिए, यानी मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में एक्टिव यानी चालू होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है सिलेक्ट सर्विस का ऑप्शन। सेलेक्ट सर्विस में आप जैसे ही आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आईपीबी आधार सर्विस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस और ओपन होकर आएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है UIDAI चाइल्ड 0 से 5 ईयर्स आधार एनरोलमेंट, और दूसरा ऑप्शन मिलता है UIDAI मोबाइल ईमेल टू आधार लिंकिंग अपडेट। अब आप यहाँ पर समझ लेना कि अगर आप अपने बच्चे का 0 से 5 साल के बच्चे का आधार कार्ड नया बनवाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल आधार कार्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट या फिर लिंक करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप अपने नए बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके जो ओटीपी है, आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर ओटीपी को सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और उसके बाद आपको कन्फर्म रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपका ओटीपी आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं आता है किसी कारणवश, सर्वर के इशू के कारण, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे सेकंड ये ख़त्म होते हैं तो तुरंत आपको रीसेंड वाले बटन पर ओटीपी को क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर दोबारा से ओटीपी को सेंड कर दिया जाएगा। तो ओटीपी को आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, और ओटीपी को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको जो कंफर्म वाला बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करके अपनी जो सर्विस रिक्वेस्ट है उसको यहां से कंफर्म कर लेना है। अब जैसे आप यहां पर कंफर्म रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके जो डिटेल्स है, यानी कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कंफर्म हो जाएगी, और दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसे कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके जो भी आधार कार्ड के जो भी प्रोवाइडर हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू जो आधार कार्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको दोस्तों 2 से 4 दिन के अंदर आपसे संपर्क करेंगे, और दोस्तों आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया हो उस पर फ़ोन करके आपके घर के पते पर आपको मिलने आएंगे, जिससे दोस्तों आपके तुरंत घर बैठे बायोमेट्रिक आपके बच्चे के होंगे और वहीं पर दोस्तों
दोस्तों आपका आधार कार्ड बना जाएगा। इसमें दोस्तों आपको 50 रुपये की सर्विस देनी होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसमें आपको कोई भी फ्री इनरोलमेंट होता है, इसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं आ पाता है तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करके आपको अपनी जो सर्विस है यानी कि जो भी आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाली थी उसको यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू या फिर दोस्तों मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ से फैच कर सकते हैं कि आपकी जो सर्विस है वो कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के नई वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।